नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आज आप सभी को बताऊंगा कि जो फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज़ हुई थी उसमें 1.9 मिलियन की जो वॉचिंग थी क्या वो फेक थी। इसी के रिलेटेड एक यूट्यूबर ने एक स्टेटमेंट दिया। और तो और मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया के जो सबसे बड़े रैंकिंग प्लेयर हैं वो अब से रैंक मैच नहीं खेलेंगे या अपनी रैंक पुश नहीं करेंगे। वो क्यों नहीं करेंगे उससे रिलेटेड मैं आपको जानकारी दूंगा इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आप फ्री फायर कम्युनिटी से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ को मिस ना कर पाएँ। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज़ के बारे में। फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज़ जो कल फाइनल थे उसमें 1.9 की वॉचिंग आई थी। उसी से रिलेटेड 2B गेमर ने कहा कि ये वॉचिंग शायद फेक थी, बोर्ड वॉचिंग थी। तो उन्हीं की लाइव की छोटी सी क्लिप मैं आपको दिखा देता हूँ और आप इसके बारे में क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बताओ, तुमने FWW देखा था 1.8 मिलियन वॉचिंग? अरे वो सब बॉट वॉचिंग है, मेरा भी तो 1 मिलियन चल रहा है। बॉट वॉचिंग है और मतलब वो भी था ना, लाइक भी कम थे। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, अगर 1.8 मिलियन वाचिंग ही होता तो 2 मिलियन लाइक्स होता था, 3 मिलियन लाइक्स होता था आराम से। क्योंकि मतलब मेरा भी तो 6,000 का वाचिंग है अभी, तो 37,000 लाइक कैसे हुआ बेटे, कुछ दिमाग में घुसा? तो दोस्तों, कल फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज़ ख़त्म हो गई। तो अभी फ्री फायर ने नई सीरीज़ का अनाउंसमेंट कर दिया है फ्री फायर प्रो लीग के नाम से। तो वो आज से स्टार्ट हो जाएगी और 4 तारीख तक चलेगी। और फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज़ की जो वॉचिंग है उसी से रिलेटेड देसी गेमर भी अपने लाइव स्ट्रीम में बहुत कुछ कहा। उसी लाइव स्ट्रीम की छोटी सी क्लिप आप देख लीजिए। फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज हम लोगों ने कितना वॉचिंग किया? 1.9 लाइव वॉचिंग भाई, 1.9 मिलियन भाई, क्रेजी इनसेन। तो फ्री फायर ने मेरे को लगा था गाइस, जो रिकॉर्ड था 4,50,000 का, मेरे को लग रहा था मुश्किल होगा, क्योंकि 4 लाख विश्वास नहीं था 4.5 लाख हो जाएगा। बट यार करीब 5 गुना बोल दो, 4,20,000 नहीं, 4,16,000 करीब यार, 4 टाइम्स डबल बोलो ना, क्या बोलते हो, 4 टाइम्स ज़्यादा हो गए भाई। इतने हाइएस्ट कंक्यूर वॉचिंग लाने के बाद फ्री फायर वाले भाई, मैं तो बोलता हूँ सबको आलोक दे दो यार, क्या दे रहे हो भाई, तुमने जितना बोला था उससे 4 गुना ज़्यादा लाया है, सबको आलोक फ्री में मिलना चाहिए भाई। मैं सोच रहा हूँ गाइस उस दिन क्या होगा, एक बार मेरे को गेस कर को, मैं वॉल्यूम कम करता हूँ। चलो मेरे को एक चीज़ बताओ, अगर मेरा चेहरा देख रहा तुम लोगों, चलो अगर इंडिया भी खेलता और प्राइस डीजी आलोक होता, अगर डीजी आलोक रख दिया जाता कि डीजी आलोक मिलेगा या फिर एक सीजन का इलाइट पास होगा, कुछ ऐसा अनोखा चीज़ रख देता, तो क्या लगता तुमको कितना हो सकता था वॉच, कितना वॉचिंग कितना था हाइएस्ट अगर डीजी आलोक होता तो? गेस करो, चलो गेस करो भाई, मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ। शुक्र करो, सबको आलोक मिलना चाहिए, वॉचिंग टारगेट 2 मिलियन बस, क्या भाई पहुँचा देंगे भाई, क्रेजी था कल भाई, कल भाई हंसो मत सालो, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ। देसी गेमर की बात चली रही है तो सेकंड स्टोरी भी देसी गेमर से रिलेटेड ही है। जैसे कि मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया था कि टोटल गेमिंग ने द टोनेटो को क्रॉस कर दिया है सब्सक्राइबर काउंट में, वो वर्ल्ड के नंबर 1 गेमिंग यूट्यूबर बन चुके हैं, पहले द टोनेटो थे। उसी से रिलेटेड देसी गेमर ने भी कल अपनी लाइव स्ट्रीम में एक छोटी सी बात कही, आप उसको सुन लीजिए। भाई अज्जू भाई बिगेस्ट कंटेंट क्रिएटर, अरे ब्रो कांग्रेचुलेशंस यार, बट नंबर क्या है, नंबर अप्स डाउन होते रहते हैं, बट ऑल द बेस्ट कांग्रेचुलेशंस। और क्या बोलो बोलो, अच्छा अज्जू मैंने उसको बीट कर दिया क्या डोनेटो को? हाँ बीट कर दिया। अरे अरे पता नहीं मेरे को, बट क्या यार नंबर आगे पीछे होंगे गाइस, आज अज्जू भाई है, कोई परसों कोई और हो जाएगा, एक बड़ा बोला भाई, आज कोई और है परसों कोई और होगा, नंबर का क्या यार, नंबर गेम ज्यादा बड़ा है क्या? बट द बेस्ट थिंग इज अज्जू भाई अभी डिफरेंट गेम खेल रहे हैं, जो कि बहुत बढ़िया बात है, बहुत सारे गेम खेले, कभी हॉरर गेम, कभी क्या गेम, कभी ये गेम, कभी वो गेम, सो बहुत सारे गेम अभी ट्राई कर रहे हैं, जो कि काफ़ी सही बात है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जोंटी गेमिंग से। जोंटी गेमिंग और पांड्या गेमिंग बहुत टाइम से बोल रहे थे कि वो एक बिग अनाउंसमेंट करने वाले, उनकी टीम टूटने वाली है, ऐसी बहुत सारे ह्यूमर फैल रहे थे। तो जोंटी गेमिंग ने कल अपने इंस्टाग्राम पर ये स्टोरी अपलोड की थी। हे गाइस गुड मॉर्निंग, तो कल 1 तारीख है और हम बहुत देर से, मतलब बहुत टाइम से आपको ये बोल रहे थे कि अनाउंसमेंट होने वाली है, अनाउंसमेंट होने वाली है। तो वो क्या अनाउंसमेंट है, कल 12 बजे आपको पता चल जाएगा। तो कल 12 बजे का आप वेट करें, टीम इलीट की तरफ से एक अनाउंसमेंट होने वाली है। और जो भी टीम इलीट को प्यार करता है, प्लीज हमको आपका बहुत सारा सपोर्ट चाहिए, आपको अपना सपोर्ट दिखाना है, और हम जो करना चाहते हैं प्लीज उसमें मतलब अपना साथ दें। और अगर वो सब कुछ अच्छा होता है कल को तो बहुत अच्छा लगेगा। तो प्लीज जो भी टीम इलीट को प्यार करता है प्लीज कल हमको सपोर्ट जरूर करना है, और कल 12 बजे चैनल पे वीडियो आ जाएगा, ठीक है।
तो उसमें आपको सब पता चल जाएगा कि क्या होने। तो जैसे कि ज्वाइंट गेमिंग ने कहा है कि बिग अनाउंसमेंट आने वाली है, वो अनाउंसमेंट आ चुकी है। तो अनाउंसमेंट ये है कि एलीट एक उनकी टीम है, वो टीम का यूट्यूब चैनल बन चुका है, उसको सब्सक्राइब करने के लिए कहा उन्होंने और उसमें एक वीडियो अपलोड किया है। तो अभी उनके चैनल के सब्सक्राइबर काउंट आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहा है वो चैनल। और उन्होंने ये भी कहा है उस वीडियो में, जो वीडियो की लिंक मैं आपको दे दूँगा और छोटा सा पार्ट चला भी दूँगा, उन्होंने ये भी कहा है कि अब वो टीम टूटेगी नहीं, अब वो सिर्फ एलीट के लिए ही काम करेंगे, एलीट के लिए ही खेलेंगे। तो ये छोटी सी क्लिप आप देख लीजिए उसी वीडियो की, और वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी यदि आपको पूरा वीडियो देखना है तो। यही वो अनाउंसमेंट थी कि हमारा जो टीम एलीट का ऑफिशियल चैनल है वो बनने वाला है, और इस चैनल का नाम है एलीट। एंड गाइस, इस चैनल पे आपको बहुत सारे हटके कंटेंट मिलने वाले हैं, सिर्फ ई स्पोर्ट्स से रिलेटेड नहीं, उसके अलावा भी आपको यहाँ पर बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो गाइस यार, जैसा कि आप सभी लोग पूछ रहे थे कि यार हम लोग कोई और क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे, इसके पीछे यार सबसे बड़ा रीजन ये था, एक तो हम इंडिपेंडेंट खेलना चाहते थे, दूसरा हम लोग ये जो इलीट नाम है टीम का उससे हम बिल्कुल चेंज नहीं करना चाहते थे, बिकॉज इस नाम से हम लोगों को काफी ज्यादा लगाव हो चुका है। एंड हम लोग नहीं चाहते थे कि यार ये जो इलीट नाम है इसकी जगह हम चेंज करके किसी और टीम का नाम अपने आगे लगाए। बस यही एक रीजन था कि हमने कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन नहीं करी, एंड यस हम इंडिपेंडेंट खेलना चाहते हैं, आगे भी इंडिपेंडेंट रहेंगे। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों अल्फा फ्री फायर के बारे में। अल्फा फ्री फायर इंडिया के रैंक में सबसे नंबर वन के प्लेयर हैं, अभी उनकी रैंक इंडिया में सबसे नंबर वन पे है। उन्होंने कल अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया, उसमें उन्होंने बताया कि वो दिन में सिर्फ 5 मैच खेल पाते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी रैंक में होने के बाद वो मैच कम से कम ही खेल पाते हैं जब उनकी टीम फ्री रहती है तब। और उसने ये भी कहा कि उस 5 मैच में भी उनको हैकर आके मार देते हैं, तो इसलिए अब से वो रैंक पुशिंग में ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ गेम प्ले में ध्यान देंगे। तो उसी की छोटे से क्लिप आप देख लीजिए। ये देखो ग्रेनेड भाई, हैकर 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 हैकर, निकल निकल निकल, अल्फा भाई भागो, अल्फा भाई भागो, राइट पे भागो, बंदा हिल करने के लिए आ रहा है। अर्पित वो मेडिकल हीरो हैकर है क्या? अल्फा भाई जल्दी, हैकर हैकर है भाई, हैकर है, हैकर है, प्रणव मेरे पास मेडिकल हीरो है भाई, हैकर है। Oh.